आर्थिक प्रगति के इस दौर में सबसे मुश्किल बात ही आर्थिक प्रगति की दिशा में नहीं बढ़ने की होती है, लेकिन मैं वही बात आपसे कहने वाला हूँ। सिर्फ आर्थिक प्रगति और सिर्फ पैसे के पीछे अगर हम भागेंगे तो देश और समाज तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें लोगों के अंदर आपसी विश्वास, स्नेह, प्रेम और एक दूसरे के प्रति स्नेह का माहौल बने। लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षा व्यवस्था से ही इस तरह की शुरुआत करें। हालांकि मैं उद्यमिता पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उद्यमिता के साथ में ही सामाजिक उद्यमिता पर जोर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ हम व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेंगे तो देश और समाज की तरक्की नहीं होगी। हमें वो कार्य करने हैं जिससे दीर्घकाल के अंदर हम और हमारी अगली पीढ़ी खुशी से रह सकें। आनंद, जीवन का आनंद, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी मिलेगा जब हम आर्थिक चीज़ों से दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकताएँ दें, जैसे आपसी प्रेम, स्नेह, सामाजिक सामंजस्य आदि। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक नए समाज की रचना के अंदर मिलजुल करके प्रयास करें। एक ऐसे प्रयास हों जिसके अंदर लोग आध्यात्मिकता को ज़्यादा प्राथमिकताएँ दें, जाति धर्म आदि से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक माहौल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, लेकिन परंपरागत ज्ञान को हमें तवज्जो देना ज़रूरी है। भारत जैसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पर परंपराएँ पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर आधारित हैं, हो सकता है कई परंपराएं अंधविश्वास पर आधारित हो, लेकिन ज़्यादातर परंपराएं वैज्ञानिक आधार पर आधारित हैं, इसलिए उनको संरक्षित करना हम सबका फर्ज है। तो दोस्तों, इस दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करना है।